हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बीसीसीएल से एक न्यूज़ आ रही है। बीसीसीएल के कोयले से अब बांग्लादेश रोशन किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि धनबाद से बांग्लादेश को कोयला भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 27 जून को बीसीसीएल के सीबी एरिया के NLOCP साइडिंग के दहीबाड़ी कोल वासरी का 3752.39 टन वासरी रिजेक्ट कोल खिरीदरपुर डाक द्वारा भेजा जा रहा था। यहाँ से शुक्रवार को मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बांग्लादेश स्थित खुलना रामपाल बिजली घर को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ है। बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी एक कंपनी है जिसमें 1320 मेगावाट क्षमता का रामपाल बिजली संयंत्र लगा रही है बांग्लादेश में। तो इसी को जरूरत है कोयले का। और भारत की NTPC लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपर्स बोर्ड की संयुक्त पहल से ये कंपनी बनाई गई है। और जानकारी के मुताबिक 20,000 टन कोयला, भारत का कोयला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कि कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता का पूर्वी साइड में पड़ता है, वहाँ का जो पोर्ट है उसके जरिए बांग्लादेश को भेजा जाएगा ताकि बांग्लादेश में जो बिजली है उसका संयंत्र, उसका संचालन किया जा सके। धनबाद से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बांग्लादेश स्थित खुलना रामपाल बिजली घर में ये कोयला जो है वो भेजा जाएगा एक साथ, और कोलकाता बंदरगाह से ये कोयला भेजा जाएगा। कोल एक्सपोर्ट का ये जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। शुक्रवार से एक जो पहला स्टॉक है वो निकल चुका है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि हर महीना 20,000 टन कोयला का आपूर्ति किया जाएगा, कोयला भेजा जाएगा, धनबाद से भेजा जाएगा यानी BCCL से भेजा जाएगा बांग्लादेश को, बांग्लादेश के प्रोजेक्ट के लिए। और जो पहला रेक वाला कोयला है वो 3-4 दिन में बांग्लादेश पहुंच जाएगा ऐसा अनुमान है। और भारत बांग्लादेश के सहयोग से जो रामपाल बिजली संयंत्र का निर्माण हो रहा है उसको पूरा किया जाएगा। एग्रीमेंट के तहत BCCL से आपूर्ति जो कोयला है वो इस प्लांट को देना है, यानी रामपाल बिजली प्लांट को देना है। इसके लिए कोलकाता से शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि कोयला की निर्यातक कंपनी गोदावरी कमोडिटीज जो कि लॉजिस्टिक काम करती है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है भाया पोर्ट, और ये काम करेगी, JSD लॉजिस्टिक कर रही है ये सब काम। BCCL की आर्थिक स्थिति से सुधरने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि ये जो कोयला भेजा जाएगा इससे जो वासरी है उसकी स्थिति भी सुधरेगी और जो कोल का प्रोडक्शन है, जो कोयला बेचना पड़ता था, उसकी स्थिति भी सुधरेगी। आपको बता दें कि एक लंबे अरसे से इसकी तैयारी की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी। BCCL के CMD निदेशक और सेल्स और मार्केटिंग की जो टीम थी, उसके जो अधिकारी थे, वो लगातार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ ये जो एग्रीमेंट है इसमें BCCL से ही कोयला जाए, क्योंकि BCCL से अगर कोयला भेजना है तो वो ज़्यादा सामने पड़ेगा, नियरर पड़ेगा। ECL भी सामने पड़ सकता है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश में जो बिजली आपूर्ति कंपनी है वहाँ पर अभी रिजेक्टेड कोल का ज़रूरत है, तो BCCL के बाद कई वासरी हैं जिससे रिजेक्टेड कोल निकलते हैं, रिजेक्टेड मटेरियल निकलते हैं, और वासरी उत्पाद को एक्चुअली उसका नीड था, तो उसको पूरा करने के लिए BCCL ही आगे आई और BCCL इस चीज़ को पूरा कर सकती है। वहीं BCCL में रिजेक्टेड कोल की बिक्री में बढ़ोतरी होने की ऐसी अनुशंसा है और कंपनी की आर्थिक स्थिति से थोड़ी सुधर जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश से हर महीना 20,000 टन कोयला का अगर आपूर्ति किया जाएगा तो उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होगा और वो लगातार चलता रहेगा एक लंबा टाइम तक। अभी ये टाइम स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कितना दिन तक बांग्लादेश में कोयला भेजना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि बिजली संयंत्र कंपनी है तो एक लंबे टाइम तक के लिए भेजा जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि एक लंबे टाइम तक BCCL को हर महीना रेवेन्यू मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।